नमस्कार ओम शांति, आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। ताइवान से ग्लोबल हॉस्पिटल को मिले 50 लाख के 4 वेंटिलेटर, जिला कलेक्टर ने किए सुपुर्द। महाराष्ट्र के अहमदनगर में विश्व शांति, स्वास्थ्य, प्रेम, एकता और सद्भाव के लिए ऑनलाइन मास मेडिटेशन का आयोजन। संस्था प्रमुख राजयोगिनी ददरतन मोहिनी जी ने दी शुभकामनाएं। और आखिर में विश्व योग दिवस पर चाइना में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग विषय पर ऑनलाइन इवेंट। संयुक्त राष्ट्र में योगा, उपचारक, स्वास्थ्य तथा सद्भाव विषय पर हुआ आयोजन। बुलेटिन की पहली खबर माउंट आबू में स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल हॉस्पिटल से जुड़ी है। हाल ही में ताइवान की संस्था TZUCHI फाउंडेशन ने करीब 50 लाख की लागत से 4 वेंटिलेटर, 10 सिरिंज पंप व 10 इन्फ्यूजन पंप ग्लोबल हॉस्पिटल को मुहैया करवाई है, जिसके आपातकालीन स्थिति में मरीजों की जान बचाने के लिए उन्हें समुचित वेंटिलेटर उपलब्ध हो सकेगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आए मरीजों को समय पर समुचित उपचार मुहैया कराने के लिए पिछले दिनों जहां ऑक्सीजन की भारी किल्लत महसूस की गई थी, वहीं ऑक्सीजन मुहैया होने के बाद गंभीर मरीजों के जीवन सुरक्षा के लिए वेंटिलेटर की भी भारी कमी महसूस की गई, जिसके चलते ताइवान की संस्था TZUCHI फाउंडेशन ने वेंटिलेटर मुहैया कराए। इसी के चलते जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने अस्पताल निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा को ग्लोबल अस्पताल को प्राप्त वेंटिलेटर सुपुर्द किए। वहीं जिला कलेक्टर ने कहा कि कोविड समेत अन्य आपातकालीन पेशेंट की संख्या को देखते हुए वर्तमान में उच्च गुणवत्ता युक्त आधुनिक वेंटिलेटर की क्षेत्र में आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसकी अब पूर्ति हो चुकी है। वहीं डॉक्टर प्रताप मिड्ढा ने भी इस अवसर पर अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके पर फिजिशियन डॉक्टर सचिन, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आनंद, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर सिंह, ENT विशेषज्ञ डॉक्टर शरद मेहता, BK डॉक्टर बिनी, आहार विशेषज्ञ डॉक्टर सुजाता, ऋषि मेहता विशेष तौर से मौजूद थे। youthnews.online तथा नेशनल यूथ फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से एक दिवसीय इंटरनेशनल हेल्थ समिट आयोजित की गई, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के सदस्य भी विशेष तौर से आमंत्रित हुए। इस ऑनलाइन समिट में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से मेडिकल प्रभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मेहता ने वर्तमान समय के हालातों में मेडिटेशन द्वारा स्वयं को सकारात्मक रखने की बात कही। वहीं माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK डॉक्टर बिन्नी ने बताया कि स्वास्थ्य और योगा का आपस में गहरा संबंध है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, नोइंग माय सेल्फ, क्रिएटिंग पॉजिटिव Vibrations of health and happiness for the self. महाराष्ट्र के अहमदनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में विश्व शांति, स्वास्थ्य, प्रेम, एकता और सद्भाव के लिए ऑनलाइन मास मेडिटेशन का आयोजन किया गया, जिसके लिए संस्था प्रमुख राजयोगिनी ददरतन मोहिनी जी ने अपनी शुभकामनाएं दी। वही कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि महाराष्ट्र शासन में स्वास्थ्य सेवाओं की निदेशिका डॉक्टर साधना ताइडे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। यह कार्यक्रम साइबर में मधुबन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसकी संचालिका डॉक्टर सुधा कांकरिया ने इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताया। स्वास्थ्य, शांति, प्रेम, एकता स्थापित हो जाए, यह इसका लक्ष्य है। संगठित योग मास मेडिटेशन करने जा रहे हैं और हमारा मकसद है विश्व स्वास्थ्य, शांति, प्रेम और एकता, और यही वाइब्रेशन हम क्रिएट करेंगे और सारे विश्व में रेडिएट करेंगे। इस आयोजन में अहमदनगर में ब्रह्मा कुमारीज के राजयोगा हीलर ग्रुप, रोटरी इंटरनेशनल 3132 विभाग, इनर व्हील इंटरनेशनल 313 विभाग समेत अन्य कई संस्थाओं का विशेष रूप से योगदान रहा। कोलकाता म्यूजियम में योग युक्त बनो, रोग मुक्त बनो थीम पर सेवा केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों एवं अन्य लोगों के लिए ऑनलाइन भी दिखाया गया था। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र,
एमडी मेडिसिन डॉक्टर संजीव कुमार कसेरा, रोटरी क्लब ऑफ बेलूर 3291 के पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रविंद्र प्रकाश सैगल, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। बाहरी जगत में तो कई बार अच्छा कर रहे हैं, हम कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं साइंस के द्वारा, और पर मन की शक्ति कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे हम लोग की चीजों पे निर्भरता बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं मन की शक्ति का विकास करना भी आवश्यक है, नहीं तो अनुशासन होता नहीं है जिंदगी में। आप देखिएगा परमात्मा के सिखाए गए राज योग को भी हमने समझा नहीं, और तो एक्सरसाइज के रूप में ही केवल समझ, और भी एक्सरसाइज हम देखते हैं जो भी हमारे महापुरुषों ने सिखाए योग, उसको भी उस नियम और संयम से लेकर। पतंजलि ने भी जब ये हजारों साल पहले ये सूत्र बनाए तो उन्होंने भी इसलिए बनाए थे कि ताकि मनुष्य जो है दुख से, जो आठ सूत्र बनाए हैं, अगर आठ सूत्र को फॉलो करेगा तो वो दुख से मुक्ति पा जाएगा। तो मुझे तो लगता नहीं है कि पहले शायद हुआ भी हो, मगर आजकल तो कोई ऐसे सूत्र फॉलो करके कर पा रहा हो। मगर योग युक्त अगर हम राजयोग सीखते हैं तो मैं अपने एग्जाम्पल से बता सकता हूँ कि इसमें आपको डेफिनेटली फायदा है, और इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट का कोई कारण ही कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में योग दिवस पर करे योग रहे निरोग विषय पर वर्चुअल कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या समेत ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र, आर्ट ऑफ लिविंग मास्टर अजय तिवारी, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सलाहकार हर्षिता पांडे, पतंजलि योग समिति की प्रभारी ममता अग्रवाल मुख्य रूप से जुड़ी। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में अतिथियों ने योग का वास्तविक अर्थ बताया, साथ ही साथ जीवन में योग का क्या महत्व है इस पर भी प्रकाश डाला। वहीं अंत में बीके विद्या ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। यदि हम योग करते हैं तो योग करने के बाद में आप खुद पाएंगे कि आपके शरीर में एक तरोताजा महसूस करते हैं, आपका पूरा शरीर जो है वह पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, अर्थात एनर्जी से उत्प्रोत हो जाता है। मुझे लगता है कि योग से बेहतर ऐसी कोई भी जीवन शैली पद्धति नहीं हो सकती है जो आपको निरोगी रखे। नागालैंड के कोहिमा में योग का महत्व बताने के लिए ऑनलाइन वेबिनार आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल से मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू ने योगा फॉर एनहांसिंग इम्यूनिटी विषय पर चर्चा की। वहीं अन्य वक्ताओं में पीस चैनल के निदेशक डॉक्टर सीपी एंटो ने योगा के लाभों पर प्रकाश डाला। संसदीय कार्य में नागालैंड के प्रधान सचिव बी शशांक शेखर ने आंतरिक स्थिरता के लिए योग विषय पर बात की। आगे सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा समेत अन्य मेहमानों ने भी अपने विचार साझा किए। In these modern times, when lifestyle diseases and mental illnesses are on the rise, the relevance of yoga continues to steadily increase. The average human lifespan has increased. People are just confined to the physical aspect of the Ashtanga yoga and they are thinking that they are doing yoga. It is not actually yoga. It is to make the body fit for practicing yoga. Their mental aspect has been totally forgotten and people are not doing. Meditation, the yoga, make our body, mind and soul to work together and help the person to transform himself or the hurt. देश के अन्य कई हिस्सों में भी 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के प्रोग्राम किए गए। ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्रों पर शारीरिक व्यायाम के साथ साथ राजयोगा मेडिटेशन द्वारा संपूर्ण स्वस्थ रहने के टिप्स दिए गए। इंदौर के ओम शांति भवन में सहज राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम हुआ, जहां सदस्यों ने योगाभ्यास किया। वहीं ऑनलाइन कार्यक्रम में इंदौर जोन की प्रभारी बीके आरती ने अपनी शुभ आशाएं व्यक्त की। आगे गंगोत्री विहार में घर पर योग और परिवार के साथ योग विषय पर कार्यक्रम हुआ, जहां प्रभारी बीके सीमा ने तन मन के स्वास्थ्य की संजीवनी राजयोग का सभी को मंत्र दिया। इस आयोजन में SBPASS योग स्कूल एवं संस्था के सदस्यों ने शामिल होकर शारीरिक योग एवं राजयोग का लाभ लिया। मध्य प्रदेश जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र पर विश्व शांति के लिए सहज राजयोग थीम पर प्रभारी बीके भावना व अन्य सदस्यों ने सामूहिक राजयोग का अभ्यास किया। इसी प्रकार पन्ना में राजयोग अपनाओ तनाव से मुक्ति पाओ कार्यक्रम सेवा केंद्र पर संपन्न हुआ। ओडिशा के राउरकेला हेड पोस्ट ऑफिस के प्रांगण में कल्याण के लिए योग का कार्यक्रम रखा गया, जहां डाक अधीक्षक जमेश्वर गढ़नायक समेत 30 कर्मचारियों को बीके चित्रंजन ने योग का अभ्यास कराया। योग का अभ्यास करने से मन, बुद्धि, चित और संस्कार चारों हमारे शांत रहते हैं, मन विचलित नहीं होता,
बुद्धि व्यर्थ संकल्प नहीं चलाती, चित्त के अंदर कोई बुरे ख्यालात अपनी तस्वीर नहीं डालते। झारखंड के रांची में राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रभारी बीके निर्मला ने अपनी शुभकामनाएं दी। हजारीबाग सेवा केंद्र पर बीके बहनों समेत कांग्रेस की पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत अन्य सदस्यों ने प्राणायाम का अभ्यास किया। यूपी हाथरस के आनंदपुरी कॉलोनी में नगर पालिका एवं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जय पैलेस पार्क में करो योग रहो निरोग कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता विशेष रूप से शामिल रहीं। हरियाणा के जिंद में बीके विजय एवं बीके मीना ने सेवा केंद्र पर शारीरिक व्यायाम करवाया। कर्नाटक के चिकमंगलूर में ज्ञान प्रकाश भवन में शहर के कई विशिष्ट अतिथि एवं प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी ने दीप जलाकर योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसके पश्चात सभी ने योगाभ्यास किया। राजयोग का अर्थ है जो सभी योगों में राजा है, सर्वश्रेष्ठ योग के कारण इसको राजयोग कहा जाता है। और राजयोग अर्थात जो बहुत से राजों को खोलने वाला है, ये वो राजयोग है। और कर्मेंद्रियों का राजा बनाने वाला योग होने के कारण भी इसको राजयोग कहा जाता है। अब देखते हैं खबरें एक नजर में। मध्य प्रदेश के जिला खारगोन के भीकन गांव में दिवंगत आत्माओं की स्मृति में वृक्षारोपण किए गए। त्रिवेणी और बेलपत्र के करीब 200 पौधे दिवंगत आत्माओं के परिजनों द्वारा लगाए गए। कार्यक्रम में विधायक झूमा सोलंकी, मुक्तिधाम समिति के प्रमुख शिव शर्मा, वन क्षेत्र अधिकारी FS निनामा तथा सेवा केंद्र से जुड़े BK धर्मेंद्र विशेष रूप से मौजूद थे। COVID-19 टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश जबलपुर में नेपियर टाउन के SVDJ गुरुकुल स्कूल में कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके भावना, बीके गीता एवं स्कूल की प्राचार्या चतुर्वेदी, जैन समाज के अध्यक्ष सुभाष जैन समेत कई लोग उपस्थित थे। यूपी के चांदपुर में सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने स्वच्छता अभियान चलाया। प्रभारी बीके साधना ने कहा कि जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही अपने आसपास के माहौल में भी स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। चाइना में ब्रह्मा कुमारीज के ग्वांगझो एवं शंघाई सेवा केंद्र और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग, घर पर योग, परिवार के साथ योग विषय पर ऑनलाइन इवेंट आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ वर्चुअल कैंडल लाइटिंग सेरेमनी द्वारा किया गया। इस ऑनलाइन इवेंट में बूस्टिंग इमोशनल एंड मेंटल इम्यूनिटी थीम पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें चीन के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK सपना ने संबोधित किया और राजयोग का अभ्यास भी कराया। वहीं ग्वांगझो में इंडियन कम्युनिटी के हेड मोहन मूल चंदानी तथा इंडिया चाइना इकोनॉमिक एंड कल्चर एक्सचेंज सेंटर के चेयरमैन जॉनसन ने अपनी शुभकामनाएं दी। So whatever I see, my mind will create thoughts on that. And whatever I hear, also I will think about it. This is a very natural process. So I have to pay attention on what I see and what I hear, what kind of books I read, what kind of messages I see whole day in this. इस दौरान इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए योगा टीचर सिस्टर लिहू ने शारीरिक योगा का अभ्यास कराया तथा सिस्टर जॉय ने सरल योग मुद्राएं, जिनका अभ्यास परिवार के साथ घर पर किया जा सकता है, उसके टिप्स दिए। इस ऑनलाइन इवेंट में चीन के विभिन्न शहरों से लोग शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कमेटी द्वारा योगा हीलिंग हेल्थ एंड हार्मनी विषय पर ऑनलाइन टॉक आयोजित की गई, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज की भी मुख्य सहभागिता रही। इस ऑनलाइन टॉक में संयुक्त राष्ट्र में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कमेटी की वाइस चेयर तथा ब्रह्मा कुमारीज के प्रतिनिधि बीके गायत्री ने योगी की सच्ची परिभाषा स्पष्ट की। आगे जापान के टोक्यो से हांगकांग की कल्चरल एम्बेसडर तथा ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी वायलिन वादक अयाको इचिमारू ने अपनी कला का ऑनलाइन प्रदर्शन किया। A yogi or a yogini seeking connection and communication with the source, seeking a communion with the source, the divine,
एंड द हायर पावर। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।